दो दोस्त सफर के लिए निकले और उन्होंने ज्यादा राह लिया। खाने पीने का सामान यानी उनके पास था। सफर शुरू किया, उस दौर की बात है, पुराने जमाने की। सफर करते करते जब वो थक गए तो उन्होंने सोचा कि अब थोड़ी देर आराम कर लिया जाए और भूख भी लगी हुई थी तो खाना खा लिया जाए। साया उन्होंने देखा और बैठ गए और अपना खाना खोला। अभी वो शुरू करने ही लगे थे तो उन्होंने देखा कि एक शख्स जो है वो उनकी तरफ आ रहा है। वो शख्स जब उनके पास आया, उसने सलाम किया तो पता चला कि मुसलमान है। उन्होंने उसे भी खाने की दावत दी, वो उनके साथ खाने में शरीक हो गया। उन दोनों दोस्तों ने अपना अपना खाना खोला। जब खाना खोला तो एक शख्स के खाने से 5 रोटियां निकली और एक शख्स के खाने से 3 रोटियां निकली। 5 और 3 8 रोटियां उन्होंने दरमियान में रखी और तीनों ने खाना शुरू कर दिया। खाना खाया, 8 रोटियां ख़त्म हो गई, पेट भर गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो जो तीसरा शख्स था उसने बताया कि मैं रास्ता खो गया हूँ तो मुझे रास्ता भी ज़रा बता दीजिए। उन्होंने उसे रास्ता भी गाइड किया। वो उनकी मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुआ और जाते हुए उन्हें 8 दिरहम जो है वो इनाम के तौर पे दे गया। जी इंसाफ क्या है? चार चार, यानी इंसाफ अगर हम वो इस इंसाफ मैंने कहा ना निस से निकला है तो बहुत आसान मैथ है। किसी बच्चे को भी कहा जाए कि जी 8 रुपए हैं तो 2 में तकसीम कर दो तो वो कह गए 4 एक को दे दो, 4 एक को दे दो, चार चार, बहुत आसान सी। लेकिन जाहिर बात है वो तो दे के चला गया जी। अब इन दोनों में रौला पड़ गया। एक ने कहा जी मेरी थी 5 रोटियां तो 5 मुझे मिलने चाहिए, 3 तुम्हें मिलेंगे। उसने कहा नहीं यार, उसने कहा दोनों का मेहमान था तो चार चार इंसाफ से फैसला होना चाहिए। बाल झगड़ा हो गया, हल नहीं हुआ। अब हल करवाने के लिए आपको पता है तीसरा चाहिए होता है, तीसरा कोई था नहीं उस वक्त। तो उन्होंने फैसला किया कि पहले अपना सफ़र मुकम्मल कर लिया जाए, वापसी पे जब हम पहुंचेंगे तो फैसला करवा लेंगे। अब वापस आ गए जी। जब वापस आए तो फैसला करवाने के लिए देखें कहाँ पहुँचे, हज़रत अली के पास पहुँचे और उन्हें कहा कि हज़रत हम तो फंसे हुए हैं, ज़रा अदल से फैसला कर दीजिएगा। हज़रत ने पूछा कि तुमने कोई अगर फैसला किया हुआ है तो बेहतर है कि उसे ही उसी पे इत्तेफाक कर लो, वरना हो सकता है कि किसी के हक में उसे महसूस हो कि ये गलत है। उन्होंने कहा नहीं जी, आपने जो फैसला करना है सही करना है और अदल के साथ करना है, हमें बिल्कुल मंजूर होगा। अच्छा जी, हमारा इंसाफ क्या था? चार चार। अगर मैं आपसे कहूँ ना जी अदल कर लें, अदल करें, तो हमारा अदल, हमारी तान यहीं तक टूटेगी जाके के 5 और 3 ये हमारा अदल होगा, इससे आगे हम नहीं सोच सकते। लेकिन हज़रत अली ने पता फिर क्या फैसला किया? हज़रत अली ने कहा कि जी जिसकी 5 रोटियां थी ना, जिसकी 5 रोटियां थी वो 7 दिरहम लेगा और जिसकी 3 रोटियां थी उसे 1 दिरहम मिलेगा। ये हज़रत अली का फैसला था। नबी किसी ने फरमाया वा अकवाहुम अली, मेरी उम्मत का बेहतरीन फैसला करने वाला अली। अब वो होश ही उड़ गए जी। अब जो 3 रोटियों वाला था, अब उसकी जरा कैफियत आप तस्वुर करें ना, वो तो 4 पे उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं मान रहा था। उसने कहा 3 ले लो, वो तो 3 पे भी नहीं आ रहा था। तो अब अदल की बात हुई तो कहा क्या मिला? 1। उन्होंने कहा जी ठीक है, चले आपकी बात सही है, आप ज़रा हमें बता भी दें कि आपने फैसला किया कैसे। उन्होंने कहा सिंपली देखो, तुम्हारे पास 5 रोटियां थी, तुम्हारे पास 3 रोटियां थी, 3 लोग तुम खाने वाले थे, गोया 1 रोटी में 3 बंदे शरीक हुए, तो 1 रोटी के कितने टुकड़े हुए जी? 3 टुकड़े हुए ना, 1 रोटी के 3 टुकड़े हुए, तो 8 रोटियों के कितने टुकड़े बन गए? 24 24 टुकड़े हो गए।
तुम्हारे पास 5 रोटियां थी, तुम्हारी रोटियों कितने बने? 15। और तुम्हारे पास 3 रोटियां थी, तुम्हारी रोटियों कितने बने? 9। सिंपल, इतना मैथ हमें आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, 3 लोग थे, 3 ने शेयर किया, गोया कितने कितने टुकड़े हर एक ने खाए? 8-8। सिंपली तभी बन गए ना 8 8 8 24, अपना नॉर्मल हिसाब रखें तो 8-8 टुकड़े हर एक ने खाए। ये जो जिसके 15 बने थे उसमें से 8 इसने खा लिए, और इसके जो 7 टुकड़े थे वो गए उसके खाते में, और ये जिसके 9 बने थे इसमें से 8 तो वो खुद खा गया, और एक बचा जो उस मेहमान के खाते में गया। तो अगर अदल का तकाजा देखना है तो वो तो यही है कि 7 दिरहम इस शख्स को मिलेंगे जिसकी 5 रोटियां थी, और 1 दिरहम उस शख्स को मिलेगा जिसकी 3 रोटियां थी। अब ये वो आप कह लेंगे अप्रोच है, जहां तक मेरा ख्याल है मैं आप नहीं पहुंच सकते कम से कम।